गाइस फॉर एवरीबॉडी इट्स मी थिया वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जैसा कि तुम देख सकते हो आज भी लेजेंड नेवर रियली डाइज क्योंकि ये साफ है और ये बहुत अच्छी हुडी है स्लीप इन नो। तो अभी मिलते जल्दी। मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के 200 सीढ़ियाँ, हालत थक गई। अब दद्दू के घर पे आया, दद्दू खाना खाने को गया, पानी पी लेता, वैसे पानी पी लेता हूँ मैं भी, पानी लाया मैं, पानी पी लेता हूँ। उसके बाद जो करना है पहला काम ऊपर जाके पतंग उड़ाना है। और आज का ब्लॉग मुझे किसी भी हालत में मज़ेदार बनाने, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हम धीरे धीरे बहुत इंप्रेसिव होते जा रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और थैंक यू, पहले तो आपको बोलना चाहिए थैंक यू जो इतना बिलीव करने के लिए। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जाके तुम कर क्या रहे हो डूड, मतलब नीचे जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, शेयर कर दो मुझे अच्छा लगता है ब्रो। तो तुम्हें भी अच्छा लगा तो जाके कर दो। मिलते हैं जल्दी से छोटे से ब्रेक के बाद। सो बैक, सो मैं वापस तो आ गया। तो एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान हुई इतने दिनों से, उसको ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था। तो वो क्या है मतलब बोले तो, वो मेरा सिस्टम है। कुछ भी मैं एक जैसे कोई काम करते करते अचानक से रोज स्लिप हो जा रहा, मतलब उसको बोल भी नहीं सकते क्या हो रहा कि पता नहीं इसको, मगर बहुत परेशान हूँ इसको लेके। मैं मतलब हर चीज़ ट्राई कर लिया, मतलब सिस्टम का हर सेटिंग्स में जाके देख लिया, पावर सेविंग मोड भी देख लिया, हर चीज़ देख लिया, मगर कुछ भी नहीं बन लिया। मगर सीन क्या है कुछ समझ के पा रहे। वैसे तो मेरा सिस्टम बहुत काम देता है, मगर कभी कभी एडिटिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रबल होता हमें, बहुत ज़्यादा। अभी तो वैसे हल्क है इसमें एकदम झगा। तो अगर तुम्हारा इसकी कुछ नॉलेज है या इसके बारे में कुछ मालूम है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो नीचे मेरा मेल आईडी है उसके ऊपर भी तुम अपने रिव्यू बता सकते हो कि भाई लेना है ब्रो नया लैपी लेंगे। अब जितने जनों को लैपी नहीं मालूम उसका मतलब लैपटॉप तो लेना पड़ेगा डूड, क्योंकि काम चलते रहना चाहिए, कभी भी रुकने का नहीं झुकने का नहीं, सीधा काम करके आगे बढ़ते रहने का। ऐसे पता ही रहम ने हमारे एक तरह का मोटिवेशन हो गया। ये कोई आवाज़ दे रहे क्या? नहीं दिए तो ये अच्छा है, क्योंकि बाहर जाने का मन नहीं है, क्योंकि पतंग उड़ा के अभी वापस आया, हालत बेंट ऊपर दे दो। बोल रहे होंगे तुम भाई तुम डेली पतंग उड़ाते ब्लॉग में पतंग ही दिखाते। भैया मेरे 2 या 3 ब्लॉग में बस पतंग, उसके बाद कोई भी ब्लॉग में पतंग नहीं, क्योंकि ड्यूट मैं घर पे रहता हूँ इसलिए व्लॉग बनाते कभी कभी पतंग उड़ाने भी चल जाता हूँ। सो अभी बहुत डिम हो रही है, अब बराबर भी नहीं है कि यहाँ से सही आना, क्योंकि मैं खिड़की खोल के जो भी करता हूँ व्लॉग करता हूँ उसमें बात करता हूँ, जैसे कि आप मैं और हम कर रहे हैं। वैसे मैंने ब्लॉग्स तो मेरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए। सो गाइस घर के बाहर निकल चुके हैं। हाँ शूट इसलिए नहीं करा था क्योंकि वही हमेशा की वैसा दिन था आज का भी, भाई पतंग उड़ाने का जो भी करने का था कर लिए। तो अभी तो वहाँ पे पूरे जने बैठे हुए जाके देखते क्या कर रहे हैं, तो ऐसे तो कुछ मज़ेदारी कर रहे हैं, फिर भी जाके देखते हैं क्या करते हैं उन लोग, अभी देखते हैं। तो वैसे तो आज का दिन ख़त्म हो गया। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नीचे मेरे सोशल मीडिया हैंडल से अगर फॉलो करना चाहे तो कर ले, लिंक्स नीचे। सो देखा फिलहाल तो अभी घर जाना है, गुड नाइट, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग।